नमस्कार, मेरा नाम बीके पांडे, आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार। मुलाकात के क्रम में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हाटा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन वर्मा जी। एक कार्यक्रम में हमारी इनसे मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा कि ये 5 साल का विजन है, तो ये 5 साल में क्या करने वाले हैं, क्या कुछ अभी तक की इनकी प्रतिक्रिया है, इसके विषय में जानकारी करेंगे। इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए हम कुछ विशेष बातें नहीं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारा कुशीनगर समाचार से आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको विजय की बधाई। हमारे कुशीनगर समाचार में पहली बार आपका इंटरव्यू किया विजय के बाद, तो सबसे पहले तो कुशीनगर समाचार और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। संयोग ऐसा रहा कि आज रामनवमी का पर्व भी है और ऐसे जगह पे जहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है और आपके कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। विधायक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि खुशी तो हर तरह से मिलती रहती है और खुशी हर किसी को एक्सेप्ट होती है, आपको भी बहुत खुशी हुई आप यहाँ चेयरमैन रहते हुए विधायक हुए। मेरा सबसे पहला सवाल है कि हाटा को आप किस नज़रिए से 5 साल में देख रहे हैं, कि किस नज़रिए से कहाँ तक पहुँचाना है हाटा से? देखिए, पहले तो आप मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देता हूँ और हाटा को मेरा एक ही नज़रिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाटा विधानसभा को मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करूँ, जितने अधूरे कार्य हैं उसको पूरा कराया जाए, क्षेत्र में कार्य की प्रगति को तेज किया जाए और जो हाटा में मुख्य कुछ सुविधाएँ से वंचित है उसको भी जारी रखेंगे और तत्काल जहाँ तक हो सकेगा, जिसे हमारे यहाँ कुछ मूल सुविधाएँ जिसे बस अड्डा में है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए मैंने जमीन 25 डिसमिल दे दिया हूँ रोडवेज विभाग को, जल्द ही बस अड्डा का निर्माण मैं करा दूंगा। जितने सड़क जो जर्जर सड़क हैं, जो सड़कें मेन सड़क से जुटी नहीं है, वो भी मैं पूरे प्रोजेक्ट बना के मैं शासन को अवगत करा दिया हूँ और जल्द ही उस पर भी निर्माण शुरू होने वाले हैं, क्योंकि कहीं पर सूचना होने के कारण कोई कार्य प्रगति पर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको 15 दिन बाद कार्य प्रगति आपको विधायक जी। कुशीनगर समाचार हमारा एक तरफ से एक मुख्य मुद्दा बना लिया था तकरौली पुल का, आपके नॉलेज में भी होगा, आप क्योंकि समाज सेवा में हमेशा जुड़े रहे। तकरौली पुल इस समय देख रहे हैं कि वो तोड़ करके और उसपे निर्माण कार्य बिल्कुल भी ठप है, आवागमन की भी सुविधाएं वहाँ बाधित हो रही हैं, गाड़ियाँ आती जाती हैं वहाँ रोज फंस जाती हैं, क्या कुछ करेंगे उसके लिए? देखिए, कार तो जब मैं चुनाव जीतने के पहले ही एक्सीएन ने कार को शुरू करा दिया और कार प्रगति पे है, बीच में कुछ जब बाधा उत्पन्न हुआ तो मैंने तत्काल PWD विभाग के सारे अधिकारियों की बैठक किया, आज एक हफ्ता पहले कार बहुत जल्दी उसको पूरा कराया जाएगा, 15 जून तक उसको समय दिया गया है और जो राहगीरों के लिए परेशानी हो रहा है, जो किनारे सड़क दिया गया है वहाँ खड़ंजा के लिए भी कह दिया गया है, एक हफ्ता के अंदर खड़ंजा बन के तैयार हो जाएंगे, आगमन बाधित नहीं होगा और पुल भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो मतलब ये एक तरह से मुख्य मुद्दा था और कुछ क्या देखते हैं आप विधानसभा हाटा में कि कहाँ ऐसी और कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे हाटा आपका प्रदेश के मानचित्र पर स्थापित हो? देखिए, हाटा हमेशा प्रदेश के मानचित्र पर रहा है, हमारे यहाँ कबड्डी से लेके तैराकी से लेके मतलब अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का एक क्षेत्र रहा है, अभी रदिया देवरिया से लेके पहले मेरा ये कही सोच है कि बच्चों के लिए एक अच्छा तैराकी की व्यवस्था करा दिया जाए और खेल कूद संबंधित एक मिनी स्टेडियम का भी निर्माण करा दिया। बॉक्सिंग में एक लड़की यहाँ से बहुत आगे गई है, कहीं देश से या देश से बाहर भी गई है, तो मुझे लग रहा है कि बॉक्सिंग के लिए भी लड़कों के युवाओं के लिए बॉक्सिंग के लिए आपको भी कुछ उसमें प्रयास करना चाहिए। बराबर बॉक्सिंग के लिए मैं मदद करता रहा हूं, जो भी बच्चे अपना जीत के आते हैं मेडल, मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए उनको सम्मानित किया और उनको आगे बढ़ने के लिए मेरा हमेशा उनका मतलब सहयोग रहता है और उनके लिए भी अभी उनके कोच राजेश गुप्ता जी से बात हुआ है, कुछ उनको जमीन और उनके लिए व्यवस्था करना है, मैं विधायक बन गया हूँ उसी के बारे में मैं SDM से भी बात किया कि कम से कम उन लोगों के लिए ज़मीन वो उपलब्ध करा देंगे, तो मैं अपने विधायक निश से उस पर निर्माण करा दिया देंगे कि वो बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध। तो ये थे हमारे साथ मोहन वर्मा, विधायक हाटा। हाटा को प्रदेश के मानचित्र पर स्थापित कराएंगे, ये कहना है विधायक मोहन वर्मा का।
हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।